आज हमें अपने सफदरगंज में हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराना था, मैं अपनी स्प्लेंडर लेके यहाँ से चल पड़ा और यहाँ पे जाती मैंने बहुत सारी लंबी लाइनें देख ली और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हमारी तो VIP एंट्री हो गई क्योंकि हमने ऑनलाइन ORS पोर्टल से जाकर रजिस्ट्रेशन किया था। तो यहाँ पे मेरा फटाफट काम हो गया तो मैं सीढ़ियों से जाने लगा था, लेकिन उसकी तरफ से मेरी लिफ्ट पर नजर पड़ गई और सभी लोग उसमें घुस रहे, तो मैंने भी मौके का चौका मार दिया और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक साथ घुसने लग गए और मैं बीच में ही दब गया। तो मैंने कैसे तैसे अपने आप को एडजस्ट किया, बीच में कोना पकड़ के साइड में चुपचाप खड़ा हो गया, जाके मैं वहाँ पे अपनी वीडियो शूट करने लगा। कुछ टाइम वेट करने के बाद, इन लोगों की शक्ल देखने के बाद, लिफ्ट अपने आप ही पूरी खाली हो गई। तो यहाँ पे मैं अपने आप को पूरा किंग समझने लगा, यानी कि राजा समझने लगा। और यहाँ पे देखते देखते फिर यहाँ पे लिफ्ट खुल गई और मैं अपने डॉक्टर से मिलने के लिए भागा यहाँ पर। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई क्योंकि यहाँ पे कैबिन उनका ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मुझे मुशक्कत करनी पड़ गई। तो मैंने बड़ी मुश्किल से गार्ड से पूछ पूछ के यहाँ पे मैंने ये रूम नंबर ढूंढ निकाला और अपने में डॉक्टर से फाइनली मिल लिया जाकर। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये चीज आप टेस्ट करवा के आओ। तो मैं यहाँ पे तुरंत भागा फिर दूसरी लाइन की तरफ और यहाँ पे मेरा टेस्ट होना था, तो यहाँ पे उसकी रिपोर्ट आधे घंटे बाद आनी थी। तो देखते देखते मौसम भी खराब हो गया और फिर मैं सोचने लगा कि घर कैसे जाऊंगा, यहाँ तो बहुत ज्यादा खराब मौसम हो गया। तो मेरा रिपोर्ट तो मुझे मिल गया। फिर मैं डॉक्टर से मिलने आया तो यहाँ पे देखा डॉक्टर ही गायब है, या ना ही कोई पेशेंट है, यहाँ पे मैं बैठे बैठे बोर हो गया। तो मैंने गार्ड से पूछा सर यहाँ डॉक्टर तो है नहीं, तो उन्होंने कहा दूसरे कैबिन में आप चले जा सकते हो। तो यहाँ पे मेरा चेकअप हो गया तो मैं यहाँ से भागा और तुरंत मैं दवाई की लाइन में जाकर लग गया। तो यहाँ पे लाइन लगने की तरफ मैं देखा तो यहाँ पे काफी सारे लोग मुझे देखने लग गए घूर घूर के। तो मैंने कैसे तैसे अपने आपको मैनेज किया और यहाँ पे कंफर्टेबल सिर्फ कैमरे पे मेरा फोकस हुआ और उसके बाद मैं यहाँ पर लाइन लगाने के लिए तेजी में भागना शुरू कर दिया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पे तो बारिश हो रही थी और काफी लोग वहाँ पे लाइन भी लगा रहे थे। तो मैं यहाँ पे साइड में से यहाँ पर कोना कोना पकड़ के मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे आप चुपचाप बैठ गया और यहाँ पे मेरा पर्ची मेरे हाथ में था और यहाँ पे काफी सारे लोग अपना काम कर रहे थे, फोन पे बात कर रहा था। तो यहाँ पे मुझे बैठे बैठे 2 घंटे बीत चुके थे। तो यहाँ पे मुझे अपनी दवाई मुझे मिल चुकी थी, तो मुझे कोई भी दवाई बाहर से लेनी नहीं पड़ी। तो यहाँ से मैं घर जाने के लिए निकल पड़ा, गेट की तरफ जाने लगा। तो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बारिश तो हो चुकी थी लेकिन फिर भी बूंदाबांदी तो हो ही रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, निकल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी उठाया और मैं अपने घर जाने के